मेरे प्यारे प्रदेशवासियों प्रणाम। आज का दिन हम सभी के लिए बेहद कठिन दिनों में से एक है, क्योंकि आज मेरे पति एवं सभी के चहेते रहे पूर्व सांसद मोहन भाई डेलकर जी की तीसरी पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम उन्हें मैं प्रदेशवासियों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मोहन भाई डेलकर जी के असमय जाने के बाद प्रदेश अपने आप को असहाय और ठगा महसूस कर रहा है, परंतु मोहन भाई की विचारधारा ही आज हमारी बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी है। प्रदेश की जनता के प्रति उनका प्यार और समर्पण किसी से छुपा नहीं था। प्रदेश की जनता की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी मौत भी प्रदेश के नाम लिख दी। पिछले 3 वर्षों में आप सभी प्रदेशवासियों जिस तरह से मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, सुख दुख में मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया, यह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरा परिवार आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। डेलकर परिवार हमेशा आप सभी प्रदेशवासियों का ऋणी रहेगा। मोहन भाई डेलकर जी की तीसरी पुण्यतिथि पर आप सभी प्रदेशवासियों को यह वचन जरूर दे सकती हूँ कि अपने प्रदेश के अस्तित्व और प्रदेशवासियों के आत्मसम्मान की लड़ाई जो मेरे पति और हमारे लोक लाडिला नेता मोहन भाई डेलकर जी ने शुरू की थी, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं और मेरा परिवार कटिबद्ध है। प्रदेशवासियों के हित की लड़ाई है। मोहन भाई डेलकर जी की तरफ मुझे और मेरे परिवार को भी अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो डेलकर परिवार उसे अपना सौभाग्य मानकर पीछे नहीं हटेगा। अंत में एक बार फिर मोहन भाई डेलकर जी की पुण्यतिथि पर आप सभी की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।